दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th UPSC बोर्ड की क्लासेस। फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर जोरदार स्वागत करता हूँ। तो अब आप लोग पेपर खत्म कर चुके हैं और नए सिरे से आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए मैंने बहुत ही मेहनत किया है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से कंटेंट दी जाए, आपको बोर्ड लेवल के अच्छे से कंटेंट दी जाए, आपको सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों की कंटेंट दी जाए। तो आप सबका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर यूनिक डायमेंशन। ये क्लास 11th का इसका पहला चैप्टर, इसमें आज हमारा जो गोल है वो पढ़ना क्या है, हमें टुडे टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्वांटिटीज के टाइप्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। उसमें आपको दो टॉपिक पढ़ना है, ड्राइव फंडामेंटल और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये हमारा बेसिक होगा, यूनिट यहीं से शुरू होती है। अब बात आती है क्वांटिटी क्या होती है। तो आपने देखा क्वांटिटी, जैसे आपने देखा मैटर क्या होता है, तो मैटर को बताते हैं अमाउंट, टोटल अमाउंट क्वांटिटी कहलाती है। तो दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक तो हम मेजर कर सकते हैं, एक को मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि आपके पर्दे मेरा कितना प्यार है नहीं बता सकते, हम आपसे कितना खुश है ये नहीं बता सकते, हम आपसे कितना ईर्ष्या करते हैं ऐसी चीज नहीं बता सकते, हैप्पीनेस जॉयनेस ऐसा नहीं बताया जा सकता है। तो ऐसे चीजों को हम नहीं पढ़ेंगे। यानी फिजिकल क्वांटिटी में हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट द्वारा, या जो डिस्क्राइब करते हैं लॉ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में, पहला क्वांटिटी पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला टॉपिक जो हमारा है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो हमने आपको बताया कि फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है टू टाइप्स की होती है। एक होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे आपका वेट कितना है, आपका आपको कितनी स्पीड से चल रहे हैं, आप कितना टाइम ले रहे हैं, ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। लेकिन आज कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने कहा हेल्पनेस क्या होता है, ईमानदारी जैसे हुआ आपके अंदर कितनी है, आपके अंदर कितना हैप्पीनेस है, ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ सकते, नहीं मेजर कर सकते किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो उन्हें हम नहीं पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी में जो हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड बाई अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम फिजिकल एलिमेंट से वो इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं। जैसे हमने कहा आपका वेट कितना है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा लेंथ, मैं ले लेता हूं लेंथ क्या है। तो चलो लेंथ के बारे में देखें। तो लेंथ मैंने लिया किसी वायर का लेंथ है, मैंने मान लिया कि 20 मीटर है। तो यहां पर देखो, यहां आप देखो 20 और इसको हमने किसी से मापा है ना, तो ये जो 20 है ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्या है, यूनिट है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। यानी फिजिकल क्वांटिटी बराबर अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू यूनिट। ये फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है। जैसे अभी देखो यहां पर देख लो आप, मैंने माना है कि एक वायर का लेंथ है वो 20 मीटर है। तो यहाँ जो 20 है ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो मीटर है ये हमारा क्या है बेटा, यूनिट। समझ गए ना, आगे हम यूनिट पढ़ेंगे, मीटर क्या होता है यूनिट के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता क्या है, अब यहाँ जान लो फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, यूनिट क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास बोर्ड है, मैं यहाँ पर ध्यान दो, मैं बोर्ड की चौड़ाई मापना चाहता हूँ। तो मैंने बोर्ड की चौड़ाई मापना शुरू किया, तो एक मार्कर, दो मार्कर, तीन मार्कर, चार मार्कर, पांच मार्कर, छह मार्कर और सात मार्कर। हमने यहाँ पर देखा कि जो बोर्ड की लेंथ है, विड्थ है, जो बोर्ड की विड्थ है वो कितनी है, सात मार्कर है। तो यहाँ पर आपको एक चीज फील आ गया होगा कि सेवन क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और मार्कर क्या मैंने यूनिट माना है। तो बोर्ड की चौड़ाई हमारी आई सात मार्कर, तो ये सेवन क्या बताता है, सेवन ये बताता है कि ये जो मार्कर है कितनी बार यूज हुआ है, सेवन बार। यानी आपको पता चल गया कि जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये बताती है कि जो यूनिट आप ले रहे हो ना वो यूनिट कितनी बार यूज हो रही है, वो यूनिट कितनी बार यूज हो रही है, वही हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। मार्कर मैंने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया, ये भी दो, ये भी चौड़ा है, इसकी भी लंबाई चौड़ाई। तो जो यूनिट होता है वो उसी फिजिकल क्वांटिटी की तरह होता है जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मापते हैं।
समझ गए ना। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लिख दू फिजिकल क्वांटिटी का, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल में मैं बहुत ढेर सारे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी में मैं लिख सकता हूँ, पहला लिख लू लेंथ होता है, चल नहीं रहा मान कर, पहला मैंने लेंथ ले लिया, लेंथ होता है फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा मैंने ले लिया मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, स्पीड हो सकता है, ये सभी सभी के सभी क्या है बेटा, स्पीड हो सकता है, फोर्स हो सकता है, ये सभी के सभी क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी है। इन सभी को हम मेजर कर सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। सुन अब यहां पर मैं लिख रहा हूं न्यूमेरिकल, तुम्हें स्पेलिंग बताना है। अब यहां पर देखो बच्चों, हम न्यूमेरिकल वैल्यू वर्सेस यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से होती है। अब यहां पर मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक दो बहुत ही पागल बच्चे हैं। पागल बच्चों में मैंने ले लिया कि चिंटू और चिंटू का छोटा भाई, चिंटू ये चिंटू है, ये चिंटू तुम्हारा है और ये चिंटू का छोटा भाई। अब भाइयों में लड़ाई होती रहती, ये कह रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूं, इसने कहा, चिंटू ने कहा अपने छोटे भाई चिंटू से कि मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूं, मेरे पास एक रुपए है। मिंटू उसने बोला मैं तुमसे ज्यादा हूं, मेरे पास 100 है। इन दोनों में लड़ाई हो रही है, तब तक इनकी मम्मी आ रही है। कहीं तुम लोगों को यूनिट कन्वर्जन के बारे में नहीं पता है, जैसे अभी तुम लोगों को नहीं पता है, यानी तुम्हारे पास इसके पास एक्चुअली में थे 100 पैसे, इसके पास कितने रुपए हैं 1 रुपए, इसके पास क्या है 100 पैसे। तो यहां से एक अच्छा सा एग्जाम्पल पता चलता है कि यूनिट को चेंज करने से फिजिकल क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे वो 100 पैसा हो। तो समझ गए दोनों बराबर, फालतू का लड़ रहे थे। तो यहीं पर हम जा रहे हैं पहले कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्जन क्या होता है। तो यहां ध्यान दो, जैसे मैंने ले लिया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं लेंथ का ही ले रहा हूं, मैंने एक लेंथ मापा है, लेंथ हमारा है 10 मीटर। फिर इसी को हमने मीटर स्केल से मापा था, फिर इसी को मैं सेंटीमीटर स्केल से माप रहा हूं, तब लेंथ आ रहा है हमारा सेंटीमीटर से मापने पर आ रहा है 1000 सेंटीमीटर। अब यहां देखो दोनों चीजों को ध्यान से देखो, दोनों के यूनिट चेंज हो रहे हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रहा है, यानी ये यूनिट बड़ा है, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू कम है। यहां पर सेंटीमीटर जो है ये मीटर से छोटा होता है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां एक चीज आपको ध्यान में आ गया होगा कि सर यूनिट छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा तो यूनिट छोटा, यानी अगर मैं इसको हेंस लिखे, इसको अगर इस फॉर्म में लिखे, तो हम लिख सकते हैं कि यूनिट जो प्रोपोर्शनल होगा वो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू के। यानी यहां से आप लिख सकते हो कि यूनिट प्रोपोर्शनल होगा नंबर। अगर इसी का हम ग्राफ ड्रा करें तो यहां ध्यान दो, अगर मैं यूनिट वर्सेस यहां पर सॉरी यूनिट वर्सेस अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें कि ये इधर हम ले लें यूनिट और इधर हम ले लें न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहां पर ध्यान दो, अगर यहां न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो और यहां यूनिट लिख लो, तो चलो यहां जाते, तो जिसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, ये होगा यन प्रोपोर्शनल बना पानी, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि देखो ये सेंटीमीटर मीटर से छोटा है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। तो जो हमारे पास वैल्यू आया है वो ये बताता है कि जो यूनिट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू के। समझ गया ना यूनिट, इसीलिए आगे जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे भी यूनिट कन्वर्जन से फिजिकल क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए तुम लोग चिंटू और मिंटू ना बनो, आप यूनिट कन्वर्जन को अच्छे से जानो, इसे नोट करो। आप अभी ध्यान दो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी आपने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप की होती है। पहला क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा हमारा क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा हमारा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इन तीन चीजों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे नाम ही से पता है फंडामेंटल मतलब बेसिक, जैसे अभी तुमसे मैं कह दूं कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट को सीखने के लिए आपको सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फाबेट। अल्फाबेट जान तो 26 होते हैं, यानी जो फंडामेंटल चीजें होती है वो फिक्स होती है। अब उससे लाखों अरबों किताबें बन चुकी है ना इंग्लिश की, तो फंडामेंटल चीजें फिक्स होती है, उसी प्रकार से फिजिक्स में भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो भी फिक्स है।
ये सात प्रकार की होती है, सेवन टाइप्स की होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये डिस्क्राइब करती है नेचर के लॉ को, क्योंकि फिजिक्स एक नेचर है, फिजिक्स नेचर है और नेचर में होने वाली घटनाओं के बारे में फिजिक्स अध्ययन करता है और उसका सहायता कौन करता है, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। तो ये समझ में आ गया ना आपको कि फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल से ड्राइव बनते हैं, ड्राइव और सप्लीमेंट्री पूरक होते हैं, ठीक है, तो इतना नोट करो। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा मेन टॉपिक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया फंडामेंटल चीजें बेस होती हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होती, उन्हीं पर सारी चीजें डिपेंड होती हैं। घर में फंडामेंटल कौन है, मां है ना तुम्हारे लिए। तो यहां पर देखो आप फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, यानी जब आप किसी चीज को मापते हो तो वो जो राशि आती है, वो जो क्वांटिटी आती है, वो किसी और पे डिपेंड ना करती हो। जैसे आप इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, हिंदी में स्वर होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, उसी प्रकार जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है। समझ गए ना, पीक्यू का मतलब क्या होगा, पीक्यू है, पीके नहीं है यार, पीक्यू का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी। इतना भी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, तो यहाँ ध्यान दो, चलो ये कितने टाइप्स की होती है। अभी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे थे, तो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो सेवन टाइप्स की होती है। अब यहाँ ध्यान दो, ये सेवन टाइप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से सारे लॉज डिस्क्राइब होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ध्यान दो, पहला जो हमारा है वो लेंथ है, लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, इसका जो सिंबल होता है यम होता है, इसको ध्यान देना आप लोगों को। जो मास है उसका जो एसआई यूनिट होता है किलोग्राम होता है, और इसका सिंबल क्या होता है, ग्राम होता है। जो टाइम है उसकी यूनिट सेकंड होती है, और उसका जो सिंबल होता है वो यस होता है, अरे कुछ बच्चे कहते हैं घंटा भी होता है। यहां पर ध्यान दो कि लेंथ का भी मैंने आपको बताया कि इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, इसका सिंबल यम होता है। मास का जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, इसका सिंबल केजी में होता है। और जो टेम्परेचर टाइम होता है उसका सिंबल सेकंड होता है, और इसको यस से लिखते हैं, समझ गए ना बेटा। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है उसकी यूनिट केल्विन होती है, और इसको के से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसका एम्पियर होता है एसआई यूनिट, और इसको इसका सिंबल ये होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये होता है कैंडला होता है, इसकी यूनिट सीडी होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल होता है, और इसकी यूनिट एमओ, इसकी सिंबल जो होती है एमओएल होती है, ठीक है। यहाँ एक चीज ध्यान, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है क्या बता रहा है, एकदम नया चीज है, आपको लगा सर ये क्या आ गया है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमने भी अभी तक पढ़ा है, कुछ होता है 11th और 12th में, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो मेजर करता है ब्राइटनेस मापता है, ब्राइटनेस बताता है कि कोई चीज कितना इंटेंसिटी इसकी ब्राइट है कितनी ब्राइट नहीं है, समझ गए ना। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे कि देखो हमारे पास लाइट है, इसके ब्राइटनेस को मेजर करता है, समझ गए ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडला होती है। अब आप ये सेवन फंडामेंटल यूनिट है, इनके सेवन होते हैं, सेवन फिजिकल क्वांटिटी होती है, और इसके सिंबल है। आप यहाँ ध्यान दो, कुछ बच्चे भी कह रहे थे सर कि लेंथ का मीटर हम तो किलोमीटर भी जानते हैं, अरे भाई सब होता है लेंथ का मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, और क्या होता है लाइट के, सारे होते हैं लेंथ के। लेकिन एक फिक्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने एक फिक्स रख दिया है कि लेंथ का मीटर मापेंगे, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि लेंथ का और यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पर ये एसआई यूनिट लिखा हुआ है, बहुत ढेर सारे यूनिट होते हैं, लेकिन ये एसआई यूनिट जो इंटरनेशनल सिस्टम ने मान्यता दे दी है, तो इतना आप नोट कर दो। अब हम जो सेकंड नया टॉपिक है वो है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्या होती है, नाम से ही पता है, जो डिराइव हुई है किसी से, मतलब किसी से मिलके बनी हुई है। जैसे द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक या एक से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव फिजिकल। जैसे अभी मैंने कहा लेंथ, लेंथ का यूनिट मैंने कहा कि ये वो है, क्या बोलते हैं, लेंथ जो हमारा इसकी यूनिट मीटर है, हमने ये लो, ये क्या हो गया मेरा, अब ये हमारा बन गया एरिया, ध्यान दो ये हमारा बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दो आप, ये ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो ना, यानी यहाँ पर क्या हुआ, किसी चीज का एरिया बनाने के लिए हमें एक मार्कर, मार्कर मेरा फंडामेंटल यूनिट है, समझ गया ना, यानी मार्कर मेरा फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन मुझे अगर एरिया निकालना है किसी का तो हमें एक से अधिक मार्कर की जरूरत पढ़ रही है, समझ गया ना। उसी प्रकार जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है, समझ गया। जैसे मैं अगर मैं एग्जांपल ले लूं, पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं, बहुत ढेर सारे इनकी गिनती भी नहीं है, यानी जैसे मैंने ले लिया एरिया, पहला एग्जांपल ले लिया एरिया, तो एरिया किससे मिलकर बना होता है, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, हमने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर हमारा ए बी सी डी है, तो एरिया बराबर क्या होता है, यह हम अगर मान ले एरिया बराबर होता है कि साइड इंटू साइड,
यानी अगर मैं इसको रेक्टेंगल ले लो, सॉरी स्क्वायर नहीं लो, रेक्टेंगल ले लो तो अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने ले लिया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में हमारा आ गया ए बी सी डी, ए रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है। तो एरिया बराबर क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू लेंथ, सॉरी चीज़ लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो लेंथ भी मीटर है, अरे देखो इसको भी मार्कर से माप रहे हैं, इसको भी मार्कर से माप रहे हैं। तो लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और विड्थ भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे तो लेंथ को हम मीटर से मापेंगे और इनटू मीटर, यानी इसकी जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई बेटा, मीटर स्क्वायर। तो आपने यहाँ समापो समझ में आ गया होगा कि जो एरिया है वो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनी है, लेंथ और विड्थ से, यानी लेंथ इनटू लेंथ से बनी हुई। हम यहाँ लेंथ इनटू लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो टू, यानी यहाँ पर दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी यूज हुई है, लेंथ और विड्थ यूज हुआ है, ठीक है, समझ गया ना। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, यानी मीटर इनटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार जैसे हम बात करेंगे, ध्यान दो इधर, उसी प्रकार हम बात करें वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाता है बेटा, वॉल्यूम के लिए होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, यानी ये आ गया मीटर क्यूब आ गया, ये भी एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम बात कर ले डेंसिटी की, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का क्या होता है बेटा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास का क्या होता है, अभी आपने केजी होता है, वॉल्यूम का क्या है मीटर क्यूब। ये देखो यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी यूज हुई है। फिर यहाँ जान लो उसी प्रकार का मैं बात करूं स्पीड का, तो स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें क्या क्या यूज होता है, जैसे बात तो आती है इसकी यूनिट होती है स्पीड का, होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं बेटा मीटर, और टाइम के लिए सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। इसमें दो यूनिट यूज हुई है, एक तो लेंथ यूज हुआ है, एक तो टाइम। यानी अगर बात करें हम स्पीड में तो स्पीड में लेंथ और टाइम का यूज हुआ है। उसी प्रकार हम बात करें फोर्स की तो एक्सीलरेशन का बात कर लें, एक्सीलरेशन की बात अगर हम कर लें, रेशन की बात अगर कर ले तो एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है स्पीड ब्लास्टी अपान, जैसे ब्लास्ट डेल्टा बी अपान डेल्टा टी होता है इसका फार्मूला। तो ब्लास्टी आगे पढ़ोगे आप तो ब्लास्टी के लिए क्या होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें फोर्स की तो फोर्स बराबर क्या होता है बेटा, मास इंटू यानी एम इंटू ए, एक्सीलरेशन यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार आप बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी होती है उसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। समझ गया ना बेटा, इतना नोट कर लो आपको। अब तीसरा जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। यहाँ पर दो ही होते हैं जो आईएएस यूनिट ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डिसाइड किया है, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, सिंपली एंगल होता है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर जान दो कि मैं कोई सर्किल ले रहा हूँ, सर्किल का एक पार्ट ले रहा हूँ, ये यहाँ ध्यान दो ये हमारा एंगल थीटा है, ये आर्क है और ये आर है, इसका रेडियस है। तो ध्यान दो यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेन एंगल तो यहाँ पर प्लेन एंगल बराबर जो फार्मूला निकलेगा वो एंगल बराबर, एंगल बराबर क्या होता है बेटा आर्क अपान रेडियस, रेडियस होगा यानी थीटा बराबर आ जाएगा आर्क, जो आर का पान आर ये थीटा का यूनिट है यानी एंगल बराबर। अब यहां पर ध्यान दो यहां पर जो थीटा लिखा जाता है वो थीटा आपका रेडियन में लिखा जाता है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर थीटा तो डिग्री सेल्सियस में होता है, वो मतलब डिग्री में होता है, सॉरी डिग्री में होता है थीटा। तो थीटा डिग्री में होता है वो भी यूनिट है, लेकिन यहां पर जो एसआई यूनिट है थीटा का वो रेडियन है, यानी इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा बेटा रेडियन होगा, समझ गया ना, यानी आर। अब यहां पर देखो मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ, यानी रेडियन यानी 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन आर ए, ये ध्यान दो। यानी अगर इसको मैं सर्किल बना दो ऐसे, ऐसे हमारे सर्किल बनेगा ये ध्यान दो ऐसे, तो इस सर्किल का पूरा जो एंगल होगा वो 360 होगा, तो 360 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। अच्छा इसका 180 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होगा, बस ये सीख जाओ बस। फिर देखो अगर मैं बात करूं यहां पर 90 डिग्री की बात करूं तो 90 डिग्री का कितने पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होगा, यहाँ ध्यान दो सारा मैं कन्वर्जन बता देता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 90 हो गया, अगर मैं वो 45 की बात करूँ 45 डिग्री की तो ये हो जाएगा पाई बाई 2,
रेडियन के बराबर होगा, समझ गया। तो ये आपका सिंबल है 362 पाई के बराबर होगा, 180 पाई के बराबर होगा, 90 पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होगा, 45 किसके बराबर होगा, पाई बाई 4 रेडियन के बराबर होगा। अच्छा 63 यानी यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं बात करूं सर तो यहाँ पर होगा 60 डिग्री की बात करूं तो 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पाई बाई 3 रेडियन के बराबर होगा। तो ये तो हमारा हो गया रेडियन, और ये हमारी आ गई SI यूनिट रेडियन और डिग्री सेल्सियस में। अब आपको ये पता चल गया कि रेडियन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं बात करूं कि 1 रेडियन बराबर क्या निकलेगा तो बता दो मुझे, 1 रेडियन बराबर क्या निकलेगा बेटा, 1 RAD बराबर RAD, 1 RAD बराबर क्या निकलेगा 360/2π, यानी आ जाएगा 180/π। तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180/π। ये तो हो गया हमारा एंगल, और एंगल क्या हो गया ये यूनिट, समझ गए। अब हम बात करेंगे सॉलिड एंगल, तो ये तो हुआ प्लेन एंगल। ऐसे देखो ये हमारा प्लेन एंगल है, यानी इस तरह अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल बनता है। अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूंगा तो ये 3D होता है, ये 2D होता है, लेकिन ये क्या होता है 3D होता है। जैसे देखो आपने बर्थडे पे देखा और टोपी लगाते हो ना, फालतू का टोपी लगा के सब लोग तुमको चूना लगा देते हैं, समझ नहीं आता, याद है बर्थडे की टोपी ऐसे सर पे रखी होती है, याद करो कब, ये टोपी नहीं यार, ये टोपी जो बर्थडे वाली होती है जिसमें चूना लगता है, याद कर लो। तो ये देखो ये जो हमारा एंगल है 3D है, ये देखो यानी कि एरिया जो यहाँ पर तो ये प्लेन एंगल है, लेकिन सॉलिड एंगल होता है 3D एंगल होता है, 3D एंगल होता है, यानी इसके बीच में जो इंटरसेक्ट करता है इसके ऊपर बना रहा है। तो अगर इसको मैं फिगर पे बनाऊं, यहाँ ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो यहाँ पर देखो ये हमारा कोई ये सर्किल नहीं है, ये हमारा कोई स्फीयर है, स्फीयर में मैंने ये हमारा सेंटर है, ये ध्यान दो ये, तो ये जो सेंटर अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये जो एंगल है ये हमारा 3D एंगल है। और इस समय इसको मैं मान लू, जैसे मैं मान लू डी ओमेगा, मान मेगा मान लू थीटा मान लू ये भी, तो यहाँ पर ये जो एंगल बना ये सरफेस इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो यानी 3D ऐसे ऐसे टोपी होता है ना जो पहनाते तो ऐसे बनता है ना, ध्यान दे रहे हो ना, ऐसे 3D एंगल होता है। तो ये जो स्टेरेडियन सॉलिड एंगल होता है ये 3D होता है, क्या होता है बेटा 3D होता है, समझ गया ना। और अगर इसका रेडियस मैं आर मान लू तो ये जो डी ओमेगा बराबर होता है बेटा, ये होता है डीए, अगर इसकी एरिया डीए है अपन आर स्क्वायर, ये होता है, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है, समझ गए ना। तो आज हमें उम्मीद है कि आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो समझ में आ गया, और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उनके बारे में बेसिक जानकारी आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे यूनिट और यूनिट ऑफ सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप लोग मस्त रहिए और खूब पढ़ते रहिए।